गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मैंने आपको बता रखा था कल वाली क्लासेस में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। उसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा था मोमेंट ऑफ इनर्सिया। कल मैंने बताया था आपको अबाउट डिस्क के बारे में, रिंग के बारे में, सिलेंडर के बारे में, स्फीयर, मतलब जितने भी कंटिन्यूअस बॉडी है सभी के ऊपर मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालने के लिए बता रखा था। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक में बताया था आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किस चीज के बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था आपको। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स है, जितने भी क्वांटिटीज है, सभी कोरिलेशंस है आपके किस चीज का है, ये रोटेशनल मौसम का है। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं दो थ्योरम हमारे पास है, यहाँ थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे आपके दो थ्योरम है। एक पहले थ्योरम जो है वह है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड दूसरी थ्योरम कौन सी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, आखिर इसे क्यों पढ़ना होता है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को जब मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया होती है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होती है, सर्कुलेट करती है, तो कुछ रेडियल एक्सिस होती है। तो रेडियल एक्सिस होती है तो कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे है, अगर हम सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस को क्रॉस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हाफ पार्ट इधर की ओर मूव करेगा, हाफ पार्ट इधर की ओर भी मूव करेगा। तो ऐसी वाली थ्योरम में भी हम लोग यूज करते हैं, इस पे भी एक थ्योरम होता है जिसे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। ये क्या आ गया? पैरेलल हो गया। अगर ये बात होती है, जैसे ये कह सकते हैं हम लोग है कि सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, एक लेंथ है, ठीक है, एक रड है, उसकी लेंथ इतना दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक एंड को हम फिक्स करते हैं और सेंटर ऑफ मास यहाँ से अगर क्रॉस करती है, तो ये परपेंडिकुलर की ओर, ऊपर की ओर क्या होती है? मूवमेंट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक थ्योरम को लगाएंगे, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जितने भी आपको मैं बताया हूँ थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे ही थ्योरम दिया हुआ आपको है। तो आज हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में देखेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है, ये बात समझिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लगता है 2D के लिए लगता है। किसके लगता है? 2D, टू डायमेंशनल के लगता है। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है या 1D, 2D, 3D, ये सभी के लिए लगता है। ये बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए ही अप्लीकेबल है, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है आपको ये सारे डायमेंशनल के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये समझना है कि डायमेंशनल क्या होती है, पहले हम लोग गौर करेंगे। सपोज आपके पास एक एक्सिस है, ठीक है, एक एक्सिस दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये क्या है? जेड है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे जो तीनों जो एक्सिस है, ऑल एक्सिस जो होता है ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है मतलब कि एक एक्सिस, जैसे देखिए, ठीक है, ये अगर ये हम सिंपली अगर एक लेंथ को लेते हैं तो ये क्या होती है? 1D होती है। ये क्या है? 1D है। लेकिन अगर हम दो लेंथ को इस प्रकार से लगाते हैं तो ये क्या बन गया? अब आपको 2D हो गया। क्या हो गया? 2D हो गया, ठीक है। अगर तीसरी ऑब्जेक्ट को अगर हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो क्या हो गया? 3D हो गया यहाँ, ठीक है, 3D फिगर हो गया यहाँ। क्लियर हो रही है आपको? और ये जो 3D फिगर जो बन रहा है या फिर जो भी डायमेंशनल बन रही है, एक दूसरे की क्या होती है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है। एडवेंस की सारे के एंगल कितना होना चाहिए? 90° होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके देखेंगे परपेंडिकुलर के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में? पैरेलल के बारे में। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, ये बात समझना है यहाँ पे। परपेंडिकुलर, सबसे पहले इसमें आप लोग कुछ एक बात लिख लीजिए, ये बहुत कम जगह ये मिलेगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसी पे पूरी कंसेप्ट होती है। कंसेप्ट यह है कि एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
पहली पॉइंट हमारे पास यह है, ये तीनों जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ओके, बात समझ में आ रही है। दूसरी पॉइंट यह है, एक्स और वाई आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बॉडी, टू द एक्सिस ऑफ बॉडी, मतलब कि यहां पे ये बात समझिएगा या फिर लिख दीजिएगा टू द प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ बॉडी। मतलब यहां पे ये हुआ, पहली बात मैंने ये बताया हो कि एक्स वाई जेड जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर ईच अदर होना चाहिए, ये क्लियर हो रही है आपको। दूसरी बात है, एक्स और वाई जो है यह परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ बॉडी। प्लेन ऑफ बॉडी का मतलब क्या होगा, देखिए ये आपके पास क्या है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे एक्स और वाई जो है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और जेड वाली जो है ना वो क्या है आपका इनसाइड की ओर है, अंदर की ओर है। इसलिए आप किसको देख रहे हो, आप देख रहे हो एक्स और वाई को, तो एक्स वाई ही आपको दिखाई पड़ रही है। इसलिए यहां पे आपको क्या बताना है कि एक्स वाई जो होती है वह बॉडी के प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, तीनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लेकिन यहां पर क्या मैंने बोल रखा हूं आपको इस इसके बारे में। तीसरी पॉइंट इसमें आपको यह लिख देना है कि एक्स शुड बी, एक्स शुड बी परपेंडिकुलर, एक्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, एक्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। अब देखिए ये बात क्या आ गई है, एक्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। एक्स वाई जेड जो है तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जो है यह प्लेन ऑफ बॉडी का सरफेस का परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन एक्स जो होना चाहिए वह परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द बॉडी। मतलब कि एक्स क्या हमारा है, एक्स इस डायरेक्शन में है तो इसका परपेंडिकुलर ये आ गया, ठीक है। अगर इसका देखेंगे तो ये इसकी परपेंडिकुलर आ गया, इसलिए ये गौर कीजिएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। अब यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है, यहां पे प्रूफ करना है इस चीज को प्रूफ करना है। तो समझना यहां पे ये है, गौर कीजिएगा कि सबसे पहले ये थ्योरम को रिलेशन से हम लोग को ये प्राप्त हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस जो है, सेकेंड वाली पॉइंट देखिए, सेकेंड वाली पॉइंट एक्स वाई आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, इसका मतलब है एक्स वाई, तो एक्स वाई दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो तीसरा की परपेंडिकुलर की बराबर ही होती है। तो इस चीज को हमें प्रूफ करके देखना है, ठीक है, ये गौर कीजिएगा आप लोग। अब सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके पास कोई एक बॉडी है, सपोज आपके पास एक डिस्कवर कंटिन्यूअस बॉडी है, इस कंटिन्यूअस बॉडी में यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस क्रॉस कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस क्रॉस किया गया है और यहां से एक और एक्सिस रेडियल एक्सिस क्रॉस किया गया है, ठीक है। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, डी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या हो गया आपको सेंटर ऑफ मास हो गया, ये क्या हो गया यहां से एक्सिस रेडियल एक्सिस है, ठीक है, ये भी क्या है आपको आर डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ को अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या निकल जाता है हमारा dm हमारे पास है, dm हमारे पास है मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इसकी निकल गया यार, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे किसका, यहाँ ना रेडियल वाले को देखेंगे तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ dr निकाल सकता हूँ, मतलब कि इसके अगर स्मॉल अमाउंट लेते हैं तो यहाँ हम लोग निकालते हैं dm के बारे में और यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग dr के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, मतलब कि दोनों को ऐड करना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाले भी और वाई एक्सिस वाले भी। तो यहां से आप गौर कीजिएगा, देखिए दोनों जो एक्सिस है जितना एक्स एक्सिस है उतना ही हमारा वाई एक्सिस है,
जितना एक्स एक्सिस है उतना ही हमारा वाई एक्सिस है। ये पहले बोल रखा हूं एक्स वाई आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो ऐसी वाली थ्योरम नहीं है कि आपको ट्राइंगल के जैसे प्रूव करना है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरम है, यहाँ स्टेटमेंट थ्योरम है, ठीक है, गौर कीजिएगा आप लोग। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है हम लोग को, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके कंडीशन में, आई जेड की कंडीशन में, आई जेड की कंडीशन में। तो हम क्या वो लिखे यहाँ पे आई एक्स, बोले तो आई एक्स कंडीशन कौन सा हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी एम का लेते हैं और प्लस यहाँ पे लेते हैं डी आर लेते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यहां से ये गौर करना है आपको कि डी एम के डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल अमाउंट ऑफ डी था, और आर के डिस्टेंस कितना था, आर था। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, डी यहां से आ गया डी एम प्लस आर, ये हो गया आपको डी आर, ठीक है। ये बात समझिएगा, ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ क्या हो रही है आपको, अब यहां क्या कीजिए आप, इंटीग्रेट इसे कीजिए, तो क्या आता है x टू दी पावर अगर n होता है क्या होता है n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए कितना निकल जाएगा आपको, d स्क्वायर बाई टू, और ये dm का कितना हो जाएगा आपको क्लियर हो गया, यहां से ये मास निकल सकता है तो m लिख दीजिए आप सिर्फ, प्लस यहां से लिए क्या आएगा स्क्वायर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा r, ठीक है। अब यहां से गौर कीजिए आप, ये क्या आ गया एम और आर, ये क्या आपकी रिलेशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो एम की कंडीशन आर की कंडीशन, एम की कंडीशन एंड आर की कंडीशन, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर बाई टू प्लस ये भी हो गया आर, और ये आर डिवाइड बाई कैपिटल आर लिख दो, ये कैपिटल आर लिख दो, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, आर इंडिकेट कर रहा है आपको, नहीं तो लगेगा आपको दोनों क्या है रेडियस है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां से ये क्या निकल गया आपको, है ना, इसको भी इंटीग्रेट किए थे, क्या निकल गया था आपका आई जेड की वैल्यू, तो आई जेड की वैल्यू आपका इतना आ गया है। तो इस प्रकार से आपको फाइंड कर लेना है, जब भी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन ये पूछता है, ये क्लियर हो गया, ये चीज प्रूव हो गया आपका, ठीक है। बस इसी चीज को प्रूव करने के लिए बोलता है कि कंटिन्यूअस बॉडी में हमारा दो इक्वेशन को प्रूव कीजिए, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास से, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंगे हम लोग रेडियल एक्सिस से, तो इस चीज को आप लोग यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां पे ये गौर करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये चीज तो फाइंड कर ली हो, लेकिन क्वेश्चंस क्या इसी पे पूछता है, क्या क्वेश्चंस इसी पे पूछता है, लेकिन इस प्रकार की क्वेश्चंस नहीं रहते, ये तो प्रूफ करने के लिए आ गया आपको। क्वेश्चंस यह होती है कि जैसे आपके पास यहां पे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लेमिनार है, रेक्टेंगुलर लेमिनार, लेमिनार के मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ, ज्यादा कुछ मत सोचना तुम लोग, ठीक है, ये इस प्रकार से किया हुआ है, बस समझ में आ रही है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ क्या है बी है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से हमारा क्या हुआ है, हर एक्सिस की ओर क्रॉस किया है, बस समझ में आ रही है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि इसकी जस्ट एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर एक लाइन क्रॉस किया हुआ है। मैंने आपको सेकेंड वाली पॉइंट बताया था कि एक्स और वाई जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है इस बॉडी का, तो ये वाला एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब यहां पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है, यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि यहां पे लेंथ आपकी अलग है, ये लेंथ अलग है आपकी, ठीक है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, मतलब कि साइड आपकी डिफरेंट है, ये साइड है या बी साइड है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक किसकी जैसा लग रहा है, ये रड के जैसा लेंथ है, क्योंकि लेंथ किस कंडीशन में होता है, रड कंडीशन में होता है, ये बात आपको पता है। तो आपको ये मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन ए कंडीशन, या फिर आप ले सकते हो लेंथ वाली कंडीशन, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, आपको ध्यान होना चाहिए रड का मैंने बताया था आपको एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। अब देखिए ये भी एक रड की जैसा बन रही है, इस प्रकार से लेंथ बन रहा है आपको, ठीक है, ये लेंथ है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ है आपके हाथ, लेंथ ही होगा इसी में। तो यहां ध्यान रखो एल की जगह क्या पुटअप करोगे, ए पुटअप करोगे, तो ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, यह ट्वेल्व हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ब्रेथ कंडीशन में बात करते हैं, तो यहां पे क्या होता है एम
बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई 12। अब देखो इस चीज को तुमने निकालो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये हो गया तुम्हारा कौन सी एक्स एक्सिस वाला, ये वाला क्या हो गया या वाई एक्सिस वाला। तो मुझे बताइए है ना मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑन जेड एक्सिस पे क्या होगा। तो जेड एक्सिस पे बाई थ्योरम के अनुसार फॉर्मूला कौन सी है, आई एक्स प्लस आई वाई है फॉर्मूला आपका। तो यहां से आप एक्स निकाल चुके हो तो यहां पे क्या कर देना है आपको, पुट कर देना है बाई 12 प्लस ये वाला कितना आ गया है एम बी स्क्वायर बाई 12। यहां से क्या हो जाएगा आपको एम बाई 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल गया ऑन जेड एक्सिस पे, किस पे निकल गया जेड एक्सिस पे। अगर इसी प्रकार से हम लोग अभी देखेंगे किसिस के बारे में, हम लोग अभी देखेंगे स्क्वायर। अगर यह हो क्या होता है, क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर वाले क्वेश्चन होता जिसकी साइड क्या होती है ऑल साइड आर इक्वल होता है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पे गौर करो आप, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑन स्क्वायर का देखो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑन स्क्वायर का ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं एक्सिस डाल देते हैं, यहाँ पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताइए, फाइंड द, ये क्वेश्चन है, हो गया आपका क्लियर हो गया वो, ठीक है फॉर्मूला प्रूव हो गया, कुछ नहीं था, आई जेड एक्सिस इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स एक्सिस वाला और वाई वाला दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्सिया को जोड़ देना है किसी भी कंडीशन में, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गया, अगर अभी हमारे पास एक क्या है कौन सा है स्क्वायर लेमिनार है, लेमिनार मतलब क्या होता है उसकी जो फॉर्मेट होता है उसे लेमिनार करते हैं, क्लियर हो रही है। अब यहां से गौर कीजिएगा कि जब ये दोनों दिया हुआ है तो अब आपको स्क्वायर का ऑल साइड सर क्या होती है इक्वल होती है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्क्वायर का क्या होता है एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, ये मैंने कल भी बता रखा था आपको। लेकिन यहां पे ये देखो इसमें तो ऑल साइड सर इक्वल है, इसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं था, इसलिए आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिए। अगर दोनों साइड्स इक्वल होता तो क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर कितना होता, टू ए स्क्वायर हो जाता, बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें क्या है ऑल साइड इक्वल है, अगर इसको हम बीच से सेंटर ऑफ मास से कट करते हैं तो हाफ पार्ट इधर हो जाता है हाफ पार्ट इधर होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इधर कितना हुआ इधर कितना हुआ, कितना की ओर से मूवमेंट कर रही है, तो ये बात समझना है। तो हमें क्या करना है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई वाई। अब देखो क्या जितना एक्स है उतना ही तो वाई है यार, अगर हम ऐसे हाफ करते हैं तो ए से ए कटता है, अगर ऐसे करेंगे तो ए और फिर ए इधर की ओर है, बात तो उतना ही है, इसका मतलब है टू ऑफ आई एक्स है। ठीक है, क्योंकि साइड इसके इक्वल होता है हाफ साइड नीचे की ओर हाफ साइड ऊपर की ओर। अब देखो तो यहां पे आपको ये पता है आई ऑफ एक्स कितना है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना है इसका एम ए स्क्वायर बाई 12 है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा यहां पे 6 हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ जेड एक्सिस की ओर कितना आता है एम ए स्क्वायर बाई 6 हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, बस कुछ भी नहीं करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपको जेड एक्सिस की ओर निकालना है और आपको क्या कर देना है एक्स वाले को प्लस वाई वाले को जोड़ देना है, एक्स वाले को प्लस वाई वाले को जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है ये क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, किस पे देता हूं सर्कुलर डिस्क पे देता हूं। अब आप लोग याद करो कि सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता था, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता था, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर डिस्क या फिर ले लो तुम रिंग ले लो, दोनों रखो, दोनों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सर्कुलर डिस्क कितना होता था याद है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता था एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता था एम आर स्क्वायर, बस समझ में आ रही है। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए आपके पास डिस्क है और ये क्या है आपके पास रिंग है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इसको मैं क्या करता हूं परपेंडिकुलर के मतलब क्या होता है एक्स वाई को क्या करना है कट कर देना है, इसमें क्या करना है कट कर देना है, बस समझ में आ रही है, कट कर दिए।
तो क्या बन गया यहां पे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सर यहां भी वही होगा, फोर थ्योरम जब वही है तो एक्स प्लस आई वाई होगा। अब गौर करो, जब ये हमारे पास सिंगल डिस्क था उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, हमारे पास सिंगल रिंग था उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या किए हम, बीच से कट कर दिए हैं, बीच से कट कर दिए तो दो भाग में बट गया। अब दो भाग में बट गया तो मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड एक्सिस पे कितना होगा, जेड एक्सिस पे कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस कंडीशन में, इस है ना कितना होगा। तो देखो यार आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू है, एम आर स्क्वायर बाई टू है। तो इसका मतलब है इसका भी हाफ हो गया है, इसका भी क्या हो गया, हाफ हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये गौर समझिएगा, यहां पे क्या है, जितना एक्स है प्लस वाई है दोनों को हाफ हाफ पार्ट को मिलाकर टोटल बना था, तो हम यहां पे लिख सकते हैं टू ऑफ आई एक्स, टू ऑफ आई एक्स मतलब कि आई एक्स प्लस आई वाई है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो कितना होता है, टू ऑफ आई एक्स होता है। ये क्लियर हो गया आपको। आई जेड की वैल्यू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, सपोज यहां पे दे रखा है एम आर स्क्वायर बाई टू, आपको निकालना है एक्स एक्सिस की ओर में। जब हम एक्स एक्सिस की ओर निकालेंगे तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आई एक्स जब निकालेंगे तो टू नीचे की ओर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू वन बाई टू, बोले तो एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। आप ऐसे निकालो या फिर आप सिंपली यही कर सकते थे कि आई जेड की वैल्यू क्या करेंगे हम, जब हमारे पास हाफ पार्ट में बांट दिए हैं तो एक पार्ट इतना था, हाफ में बांट दिए तो क्या हो गया, वन बाई टू से मल्टीप्लाइड हो गया, तो वन बाई टू से इसका भी हाफ आधा हो जाएगा, जैसे एक है यह और इसका आधा हो गया, हाफ से बांट दिए हैं तो क्या होगा, वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहां पे क्लियर हो गया आपको, तो ए मारा स्क्वायर बाई फोर आ गया। अगर हम बात करेंगे रिंग का, रिंग का बात करेंगे तो इसमें भी वही चीज कंडीशन है, आपको कंडीशन वही है, कंडीशन यह है कि यहां पे आई जितना आई एक्स है उतना आई वाई, देखो जितना आई एक्स की ओर गया है उतना ये वाई की ओर भी गया है, तो हम यहां लिख सकते हैं टू ऑफ आई एक्स, टू ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई जेड। अब यहां पे अगर आपको पूछ रहा है किस के बारे में पूछ रहा है, आई एक्स की बताइए मुझे, ये तो आई जेड की वेरिएशन है, आप आई एक्स का बताइए, तो आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा आई जेड बाई टू, तो आई जेड कितना यहां दे रखा है, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस में एम आर स्क्वायर बाई टू है, वाई एक्सिस अगर बात करता है उसमें भी इतना ही है, दोनों को जब जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग को दूसरा थ्योरम के बारे में ध्यान रखना है, मैंने आपको इस पे प्रूफ कर दिया हो, लेमिनार पे प्रूफ किया हो, रिक्टेंगल पे प्रूफ किया हो, स्क्वायर पे, डिस्क पे, रिंग पे बात कर रखा हो, ये बस ध्यान ये रखिएगा, कल मैंने जितने भी चीज को प्रूफ किया था कंटिन्यूअस बॉडी वाले जो प्रूफ किया था, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा उसका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक ही थ्योरम है आपका, कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस होता है, दोनों को क्या करना है जोड़ेंगे तो थर्ड एक्सिस निकल जाएगा। तो वहां पे गौर कीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने आपको तीन पॉइंट बताया हूं, एक्स वाई जेड आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर है। दूसरी पॉइंट बताया हूं आपको, बुक में लिखा हुआ ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट से निकलता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई जो जेड सॉरी एक्स वाई जो है खुद ही वह प्लेन का परपेंडिकुलर है, जैसे देखिए ये मैंने बताया था ये क्या है आपको एक्स वाई है, जेड तो इसकी थ्री में है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड एक्स जो है वह परपेंडिकुलर है बॉडी का, एक्स जो है परपेंडिकुलर बॉडी का, मतलब तीनों का सारांश करने का मतलब ये हो गया कि तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम टाइम में पूछेगा एक्स की ओर बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वाई की ओर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे जेड एक्सिस वाली जो बात होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब हम लोग बात करेंगे किस इसके बारे में, दूसरी थ्योरम पे बात करेंगे, दूसरा थ्योरम कौन सा है, पैरेलल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस
पैरेलल एक्सिस थ्योरम बात करेंगे। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब यह होता है, ध्यान रखिएगा फिर से, ये कोई भी एक डिस्कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, डिस्कंटिन्यूअस बॉडी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक लाइन को सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करते हैं, एक लाइन को सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करते हैं, यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोटेशनल मोशन कल आपका खत्म हो जाएगा, आज आपको मैं थ्योरम ओनली बताऊंगा, कल मैं आपको रोलिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है, रोलिंग और रोटेशनल मोशन बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, है ना। इसी चैप्टर में कुछ बचा हुआ आपको सेंटर ऑफ मास, उस पर भी चलेगा एक दो क्लासेस। तो ये एक लाइन को सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहे हैं और इसके जस्ट पैरेलल बगल में एक रेडियल एक्सिस क्रॉस कर रही है, मतलब एक लाइन क्रॉस कर रही है। तो यहां पे ये समझना है, जैसे सपोज यहां पे ए लेंथ और बी लेंथ दिया हुआ है, यहां पे सी है या डी है, तो बात यहां पे ये आता है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, जैसे कि ये सेंटर ऑफ मास से यहां पकड़ते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास से जब मूव करता है तो ये उतना फ्रीली मूव करेगा, या फिर अगर हम इसे साइड में अगर पकड़ते हैं तो कितना फ्रीली मूव करेगा, ये इस बात समझिएगा। जैसे देखिए यहां पे है, इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मूवमेंट होती है, लेकिन यहां पे पकड़ेंगे तो ये उतना से फ्रीली मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इधर की ओर लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होने के मतलब ये हो गया उसकी मास में इंक्रीजमेंट कर गई है, तो उस पर टॉर्क तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना यार, इसलिए कभी भी ज्यादा फ्रीली मूवमेंट होती है तो सेंटर ऑफ मास से होते तो दोनों साइड इन होता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक आपका डिस्टेंस एच ले रखा है, ओके, क्लियर हो रही है, ये वाला ये क्या है आपका एंडिंग लेंथ है, ये एंडिंग लेंथ है। आपको ये बात शायद पता होगा, ये बात शायद पता होगा, कल मैंने बताया था आपको, जब भी हम किसी भी मास ऑफ द लेंथ पे, किसी भी मास ऑफ द लेंथ अगर किसी भी रड पे अगर हम लोग उसके एंड पे एज पे अगर हम क्या करते हैं, हम वहां से एक्सिस क्रॉस करते हैं तो वहां पे क्या आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, तो ये टोटल का था, यहां से लेके यहां तक था आपका टोटल रड का था, यह एल हर एल लेंथ का है, तो टोटल रड का मान क्या था आपका, टोटल रड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml स्क्वायर बाई 12 था टोटल रड का। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, साइड पे करते हैं, एज पे करते हैं, तो एज पे कितना निकला था, ml स्क्वायर बाई 3 निकला था, बात समझ रही यहां पे। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहता है कि कोई भी बॉडी अगर हमारा डिस्कंटिन्यूअस बॉडी है, एक लेंथ अगर हमारा सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है और उसकी जस्ट पैरेलल, उसके जस्ट पैरेलल, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसमें क्या होगा, दो लाइन पैरेलल होगा, एक लाइन सेंटर ऑफ मास वाला, एक लाइन आप कोई भी एक ले सकते हो, दो लाइन क्या होगा उसमें पैरेलल होगा। दूसरी बात यहां ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक्स और वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, ये क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब यहां पे ये ध्यान रखना है आपको, गौर कीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या होता है, आई जेड इज इक्वल टू, आई जेड इज इक्वल टू आई बी, आई ए बी, आई ए बी प्लस यहां पे आ जाएगा आपको एम एच स्क्वायर, एम एच स्क्वायर, ये गौर कीजिएगा आप लोग सब, ठीक है। देखिए ये इसकी थ्योरम का प्रूफ करना है, क्या हुआ, तो सर आई जेड एक्सिस और ये हो गया आपको कौन सी वाई एक्सिस की ओर ए बी, ये लेंथ है आई ए बी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, क्लियर हो गया, एम एच स्क्वायर मतलब क्या हो गया बाबू, यहां से यहां तक एक्स एक्सिस की ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बात वही है, आई एक्स आई वाई इक्वल टू आई जेड, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है, जब दो लाइन पैरेलल है तो एक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका लेंगे जो एक दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है,
तो इसकी मास हमारे पास एम है और इसका बीच का जो रेडियल एक्सिस है आर लेते थे लेकिन यहां पे लिए है एच क्योंकि हाइट है। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग एम एच स्क्वायर, एम एच स्क्वायर किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा आपको एम ए स्क्वायर, किस कहीं पर लिखा हुआ रहेगा एम एल स्क्वायर, डिपेंड अपॉन है अगर रड रहेगा तो एल लेगा, ए रहेगा वहां पे स्क्वायर रहेगा तो ए लेगा, ठीक है। मैंने यहां पे हाइट ले जाऊं कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये गौर कीजिए, अब देखिए ये आपका जो दिया हुआ वाई एक्सिस की ओर में सेंटर ऑफ मास से कोई भी रड को, कोई भी रड को जब सेंटर ऑफ मास से जब मूवमेंट करवाया गया था तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर वाई 12 होता है, एम एल स्क्वायर वाई 12 होता है। देखो मैं क्या किया हूं, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई है और ये आई एक्स है, कैसे वाई है तो ए बी वाली लेंथ क्या है, देखो क्या वाई है और एम एच ए वाली क्या है एक्स एक्सिस की ओर है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा ये वाई हो गया या एक्स हो गया, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने यहां पे देखिए दोनों लाइन क्या है पैरेलल है इसलिए एम एच स्क्वायर लिया गया है यहां से यहां तक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, लेकिन ये वाला क्या है ए बी है, यहां पर गौर कीजिएगा आप लोग। अब देखो ए बी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास से एक लॉन्ग क्रॉस किया है, जब लेंथ एक क्रॉस किया है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम एल स्क्वायर होगा, मैं यहां पुट कर दे रहा हूं एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम यहां पे आ गया आपको एम एच, देखो क्या है यार यहां पे एच देखो क्या है टोटल लेंथ हमारा क्या था एल था, तो हाफ ऑफ द पार्ट का लेंथ क्या हो जाएगा एल बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से एल बाई 2 हो जाएगा, तो मैंने यहां पुट कर देता हूं एल है ना एल बाई 2 का होल स्क्वायर, एल बाई 2 का होल स्क्वायर यहां से आ गया आपको एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। अब हम क्या लेंगे है ना एलसीएम लेंगे 12, ये हो जाएगा आपको एम एल स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा आपको 3 एम एल स्क्वायर, 3 एम एल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपको 4 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये क्या आ जाएगा 3, इसका मतलब है एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। मतलब ये आ गया कि आई जेड एक्सिस की ओर में, आई जेड एक्सिस की ओर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस की ओर में कितना निकलता है एम एल स्क्वायर बाई 3 होती है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो ये आपको थ्योरम याद रखिएगा, बस इतना से आपको लिखने के बाद प्रूफ करने के बाद ये चीज को आपको फाइंड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक बॉडी लीजिएगा, बॉडी लेने के बाद क्या करना है सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करना है, पुराने बात को याद कीजिए सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करना है, एक लेंथ इसके जस्ट पैरेलल, मैंने क्या बोला हूं टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या करना है दो लाइन लेना है लेकिन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाई आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए दोनों के क्या होना चाहिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसकी जो थ्योरम होती है वो कहता है ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ ए परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम पे आई जेड इज इक्वल टू आई बी, ये वाली लेंथ सेंटर वाली लेंथ प्लस ये वाली एक्स की ओर में यहां पर कोई मास, ऑब्वियसली कोई मास होगा तभी तो कुछ हाइट हुई है एम एच स्क्वायर। सर एम एच स्क्वायर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था इसमें यहां पे एम आर स्क्वायर, अरे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होता है ना यार, लेकिन मैं यहां पे एच इसलिए लिया हूं क्योंकि यहां पे हाइट है, मैंने यहां बोल रखा हूं कि कहीं कहीं पर आप एम ए स्क्वायर भी ले सकते हो, कहीं एम एल स्क्वायर ले सकते हो, अगर यहां पर दिया हुआ है सपोज ए दिया हुआ है तो यहां पर ले लो तुम लोग एम ए स्क्वायर ले लो, अगर यहां पे L दिया हुआ है तो क्या ले लो एम एल स्क्वायर ले लो, अगर यहां पे R दिया हुआ है तो क्या ले लो एम आर स्क्वायर ले लो, लेकिन मैंने यहां पे एम आर स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि बच्चे डायरेक्ट पुट अप कर देंगे एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, जबकि अभी पुट नहीं करना है, ठीक है। यहां पे एक है ना कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेना है आपको एच के लिए, अब एच जो है इतना हाइट है, टोटल हाइट कितना था लेंथ आपकी एल था, तो क्या हो जाएगा इसका एल बाई 2 हो जाएगा, अब क्या करना है इसको पुटअप करना है। और यहां पे ध्यान रखिए कि मैंने बताया था कोई भी रड को जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करते हैं उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। तो ये आपने पुटअप कर दिए, इसकी वैल्यूज को पुट किए, एच इक्वल टू एल बाई 2 हो गया, यहां से निकालने के बाद मेरे क्या निकल गया है एम एल स्क्वायर बाई 3 निकल गया है, क्लियर हो गया यहां से आपको एम एल स्क्वायर बाई 3 हो गया, ओके चलिए क्लियर हो गया यहां से, ठीक है बहुत अच्छी बात है, जल्दी इसको लिख लीजिए, एक मैं क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है लिख लिया सर इसको,
एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये निकाल लीजिएगा आप लोग। एक दिन क्वेश्चंस का पूरा सेशन चलेगा, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेगा। पहले आप थ्योरी के मेंशन कीजिए और उसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चंस मेरे पास यह है, फाइंड द अल्फा, व्हेन रेड मूव, वर्टिकली, परपेंडिकुलर, वर्टिकल परपेंडिकुलर। जैसे आपके पास एक रड दिया हुआ है, ओके, अब ये बोल रहा है यहां से अल्फा निकालिए, बस एक रड दे रखा है और यहां पे ये बोला गया है कि आप अल्फा निकालिए, मुझे अल्फा निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, अल्फा निकाल के बताओ। सोचो इसी इस पे क्या होगा, कैसे निकलेगा, सोचो कैसे निकलेगा। क्या बोला है कि जब ये मूव वर्टिकली करता है, तो क्या मैं इसको वर्टिकली मतलब कि डाउनवर्ड की ओर या अपवर्ड की ओर जैसे भी लिख सकते हो कर सकते हो तुम लोग। जब ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर आ जाएगा या फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, बीच में एक छिट्टा बनेगा, बीच में एक छिट्टा एंगल बन जाएगा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर आएगा या फिर नीचे की ओर में एक फोर्स लगता है, एमजी फोर्स लगता है, तो इस कंपोनेंट में कितना फोर्स लग सकता है, ये कंपोनेंट भी बराबर है ठिट्टा बराबर, ये कितना लग सकता है, एमजी साइन ठिट्टा, एमजी साइन ठिट्टा। अब यहां से सोचो, आप थोड़ा सा सोचो, बस एक मिनट जल्दी सोच लो। ओके, अब देखिए यहां पे फोर्स लगा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट मूव किया होगा, ये जेई का क्वेश्चन है, 2017 का है, मे बी 2017 या 16 का क्वेश्चन है। फाइंड अल्फा पूछा है जब रड हम वर्टिकली मूव करवाते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बट ऑप्शन में हम दिया नहीं हूं। अब ये ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जाती हो तो है ना, किधर भी जाएगी कंपोनेंट हम लेंगे, तो यहां पे एक टॉर्क लगा होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ होता है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया के टर्म में अगर हम टॉर्क को लेते हैं तो क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, इज इक्वल टू आर इंटू एफ। बात समझ में आ रही है, आर इंटू एफ हमारी टॉर्क की फॉर्मूला है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्सिया को में अगर हम लोग टॉर्क को चेंज करते हैं तो ये भी फॉर्मूला होता है टॉर्क के बराबर, मुझे क्या फाइंड करना है, गौर करना, मुझे फाइंड करना है अल्फा। क्या यहां से अल्फा पता चल जाएगा आपको, यस अल्फा पता चल जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू एफ बाई आई, यहां से मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये फॉर्मूला बना है, इसकी कंपोनेंट हम निकालेंगे ना यार, ठीक है, इसकी कंपोनेंट क्या आएगा, यहां पे आएगा आर इंटू एफ कितना है, एमजी साइन थीटा, फोर्स कितना लग रहा था, एमजी साइन थीटा। आई यहां पे कितना लगेगा, आई यहां पे कितना लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ किसी भी रड का बताओ क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी भी रड का क्या होता है, जब एंडिंग पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताइए ऑफ रड का जब हम लोग एज में, है ना, जैसे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है और साइड में हम लोग फोर्स लगाते हैं, मतलब कि साइड में हमारी एक्सिस होती है एज पे, तब मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है, सेंटर ऑफ एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन साइड में मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है ना। हाँ चलिए, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू, आपको क्या बैठा दोगे तुम लोग, एम एल स्क्वायर बाई 3। अब आप ये सोच रहे हो सर ये कैसे हो रहा है, देखिए कुछ भी तुम्हें नहीं किया यार, बस दिमाग यहां रखो, अल्फा निकालना है तो इसमें फोर्स लगा होगा, वेलोसिटी किधर की ओर गया होगा मुझे पता नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया होगा। तो यहां पे देखो एक ऑब्जेक्ट, एक लेंथ है, आई इसको हम फिक्स किए, ये ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, तो दिमाग में पहले सबसे डाल लो कि आखिर सेंटर ऑफ मास इसका किधर लगा हुआ है, एज पे है या सेंटर पे है, तो एज पे है, तो पहले तुम एक लाइन डाल दो कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया एज पे इतना होगा, ये कहीं ना कहीं यूज जरूर हो जाएगा, ये बात दिमाग रखो।
अब ये ऑब्जेक्ट को नीचे आएगा तो यहां पे क्या बनेगा, कुछ एंगल फॉर्मेशन हो सकती है। नीचे की ओर हमारा एक फोर्स लग रही है, एमजी लग रहा है, इस कंपोनेंट में क्या लग रहा है, एमजी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क बराबर आर इंटू एफ, टॉर्क का हमारा रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में, अल्फा निकालना है तभी तो हम इस फॉर्मूला को लिए हैं, आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ, अल्फा बराबर आर इंटू एफ बाई ए। अब आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, और यहाँ एम जी साइन थीटा, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एम से एम मेरा कैंसिल हो गया, एम से एम मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री ऊपर की ओर चला जाएगा, थ्री आर जी साइन थीटा बाई एल स्क्वायर, बाई एल स्क्वायर, बाई एल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब देखो ये रेडियल एक्सिस था, ये रेडियल एक्सिस था, लेकिन रड में क्या हम रेडियल एक्सिस यूज करते हैं, रड में हमारा कोई रेडियस होता है, रड में नहीं होता है, रड में जब भी होता है तो सिर्फ क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल होता है। तो क्या हम आर की जगह एल पुट कर सकते हैं, क्योंकि बात समझिएगा आप लोग, ये हमेशा याद रखिए, ये सब कंसेप्शन है, ये याद रखिए, थ्री इंटू आर रेडियस नहीं होता है कभी भी रड में, उसमें लेंथ होता है, मैंने ये सब बात कभी बताया था। आर इज इक्वल टू पुट कर दीजिए एल जी साइन थीटा डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया थ्री जी साइन थीटा बाय एल, यही मेरा आंसर है, अल्फा इक्वल टू थ्री जी साइन थीटा बाय एल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैं क्वेश्चंस बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी तक बस आपको मैं आज की क्लासेस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया हूं, दोनों को थ्योरम को याद रखिएगा, बहुत यूज आएगा, इस क्वेश्चन बनाने में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास क्या होगा, आपको रोलिंग के बारे में, किसके बारे में होगा, रोलिंग है ना, रोलिंग रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, और लास्ट क्लास में बताऊंगा आपको टोटल सेंटर ऑफ मास का, इसका पूरे एक घंटे क्लास से लेके उसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद एवरीवन, ओके, थैंक यू गाइस।